कि ईगर ये भी एक एडजेक्टिव है जिसके मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा कीन आदमी, डिज़ायरिंग किसी चीज़ को करने को, इंटरेस्टेड, एंथुजिस्टिक, एम्बिशियस। देखो ईगर को हम याद कैसे रख सकते हैं, ईगल हर वक्त बेचैन रहता ना, झपट्टा मारो, कुछ गोश खा लो, कोई चीज़ अपने दुश्मन में हमले के लिए। तो ईगर को हम किससे याद रख सकते हैं, ईगल से। अब इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे, देखो एंथुजिस्टिक की जगह अनएंथुजिस्टिक, कंसर्न की जगह अनकंसर्न, ईगर की जगह अनईगर, इंटरेस्टेड की जगह डिसइंटरेस्टेड और पेशनेट की जगह डिसपेशनेट। देखो आप इसको ईगर को बड़ा ये भी कह सकते हो, हंगरी, थर्स्टी, बेचैन कि मुझे कुछ मिल जाए। नई नई चीज़ सीखने के लिए भी क्या होता है, आदमी ईगर है, स्टूडेंट भी अगर ईगर है ना, पढ़ाई में इंटरेस्टेड है। और अनईगर का मतलब क्या हो जाएगा, नहीं भाई बहुत पढ़ लिया, अब मज़ीद ज़रूरत नहीं।